So what's up everyone, this is me Satyan Sharma. In this video I will try to cover a very important doubt of most of the students who are in class 11th or about to enter in class 11th. Right now they are in class 10th ki bhaiya whether we should join a dummy school or a regular school. So honestly speaking, dummy school has a lot of advantages over regular school. Number one, you get a lot of free time to prepare for your competitive examinations like JEE, NEET, etc. Free time in the sense you get a lot of time for self-study apart from coaching, right, which you can utilize in many ways. For example, even if you have backlogs, then also you get a lot of time to cover your backlogs and come back on the track according to your coaching. Second, when you go to remain in coaching for quite a period, for example 7 to 8 hours, then most of the students there are coming for one dream, that is IIT or NIT. So when you will listen IIT NIT whole day, then your mind gets aligned with that preparation and you are also motivated to go to IIT or NIT whatsoever, right? And while regular school has one disadvantage, that you don't get enough time and most of the time gets wasted. Why? Because you already know, honestly speaking, जो रेगुलर स्कूल वाले टीचर्स रहते हैं वो तुम्हें जेई नीट लेवल वाला तो नहीं पढ़ाने वाले हैं, बोर्ड्स लेवल तक पढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जेई मेंस भी नहीं टच करेंगे, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन उस केस में एक सॉल्यूशन रहता है कि अगर जिस टीचर की क्लास समझ में आ रही है वो तो अच्छा है, मगर जिस टीचर की क्लास नहीं समझ में आ रही उसके पीरियड में तुम लास्ट सीट पे जाके अपने मॉड्यूल्स या जो भी तुम बुक्स फॉलो करते हो फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, उसको जाके तुम अलग से सॉल्व कर सकते हो. बट एक चीज़ ध्यान रखना, एंड में बैठे हो, थोड़ा थोड़ा ध्यान सामने वाले टीचर पे भी देते रहना ताकि उनको पता ना लगे कि तुम कोई और बुक सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि अगर उन्होंने पकड़ लिया तब तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी. एंड डमी स्कूल में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा कि नेवर वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है. टेंथ में हमारी आदत रहती है स्कूल की और इलेवेंथ में अचानक से आते हैं, सिलेबस बढ़ता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है. अगर डमी स्कूल की बात करें तो उस टाइम, जब टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो मेथड रहता है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है कि ये चैप्टर है अच्छा, इसको 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे, अभी तो टाइम है. लेकिन रेगुलर स्कूल में क्या होता है कि अरे यार अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एक आज रात भर पढ़ना होगा और इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर पे जल्दी से जल्दी आना होगा. और डमी स्कूल का एक और डिसएडवांटेज है कि तुम्हें एक टाइम शेड्यूल डिसिप्लिन नहीं रहता, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई नहीं हो पाती कभी कभी. फॉर एग्जाम्पल तुम रात के 2 से 3 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह उठ रहे हो 10-11 बजे. वाइल रेगुलर स्कूल में क्या होता है कि रात में 11-11:30 उससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि रेगुलर स्कूल के लिए सुबह 6 बजे तक उठना पड़ता है. तो ये एक डिसिप्लिन वे रहता है. एंड दैट्स इट, दीज वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेगुलर स्कूल एंड डमी स्कूल. डमी स्कूल के एडवांटेजेस तो हैं, बट अगर तुम वो पॉइंट कंट्रोल कर लेते हो कि अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे तो इट्स वेल एंड गुड, यू शुड ऑप्ट फॉर अ डमी स्कूल. रेस्ट इज ऑल योर एंड योर पेरेंट्स डिसीजन. थैंक यू.